महाराष्ट्र सरकार आपल्या राज्यात आरोग्य सेवेवर जीडीपीचा केवळ 0.5% खर्च करते. महाराष्ट्रात सध्या आरोग्यावरचा दरडोई खर्च 1,266 रुपये इतका आहे, तर अरुणाचल प्रदेश सारख्या राज्यात हाच दरडोई खर्च 10,869 इतका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आरोग्यावरचा खर्च वाढवावा अशी मागणी नांदेडमध्ये एका सामाजिक संघटनेने केली आहे. मुवमेंट फॉर पीस या सामाजिक संघटनेने जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्र्यांना आपल्या या मागणीचे निवेदन पाठवलंय. त्यात पायाभूत आरोग्य व्यवस्था अधिनियम लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. हम लोग मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ महाराष्ट्र के माध्यम से पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य के अधिकार पर काम कर रहे हैं. वैसे तो हमारा राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, लेबर राइट्स, सभी संवैधानिक अधिकारों पर काम होता है. लेकिन इस वक्त हम स्वास्थ्य के अधिकार पर पूरे महाराष्ट्र में कैंपेन करने के बाद जो चीज़ महसूस करें वो ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का बजट है, हमारा जो आर्थिक बजट है, उसका 0.5% बजट में हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाता है, जिसमें से 0.5 में से 2% भी पूरी तरह से खर्च नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें भी हमारे सिस्टम के अंदर कहीं से ना कहीं से इन्वॉल्व है. तो जिसकी वजह से 0.5% जो है ये बहुत छोटा बजट है. इस वक्त MPJ पूरे महाराष्ट्र भर में डिमांड कर रही है कि पूरे हमारे आर्थिक का, पूरे इनकम का, बजट का कम से कम 2% हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए. यह हमारा सबसे बड़ा डिमांड है. उसकी वजह यह है कि आज भी 70% लोग जो महाराष्ट्र के हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी विभाग में हो, 70% लोग ऐसे हैं जो अपने पास का पैसा लगाकर गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से स्वास्थ्य नहीं मिल पाती. इसी तरह महाराष्ट्र भर में 45,000 पोस्ट है, पूरे मेडिकल पोस्ट, जिसके ऊपर 30,000 पोस्ट खाली है. तो MPJ चाहती है कि बजट का हिस्सा बढ़ाकर वो सारी पोस्ट को पूरी की जाए. हमने देखे लॉकडाउन के दौरान में, जो कोविड के दौरान में जो समस्या हुई लोगों को, कि हमारे पास में आइसोलेशन सेंटर्स, ये सारी चीज़ें हमको टाइम पर बनाना पड़े. कहीं पर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, कहीं पर पलंग नहीं थे, बेड नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था, नर्सिंग स्टाफ नहीं था. तो ये बहुत सारी कमी थी, बहुत सारी समस्या थी, जिसकी वजह से हमारे भारत के, हमारे महाराष्ट्र के कई महाराष्ट्रवासी और कई देशवासी जो हैं मौत का शिकार हुई है. तो इस समय हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि वो हेल्थ के ऊपर कम से कम 2% बजट खर्च करें. जस्टिस ने आज जिला कलेक्टर को ये निवेदन दिया, जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को जो है ये निवेदन किया कि आज जो है कोविड-19 के दौरान जो चीज़ें हमारे सामने आई कि लोगों को जो है हेल्थ की सुविधा जो है मिल नहीं पा रही, और कोरोना वायरस से ज़्यादा लोगों की मौत नहीं बल्कि आम बीमारियों से जो है लोगों की मौत ज़्यादा हुई है. तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के लोगों ने इस पर सर्वे किया है, और सर्वे कर ये बात हमारे सामने आई कि हमने देखा कि लोगों को आम जो बीमारियां जो है उसके ऊपर जो है बुनियादी सहूलतें जो है दे नहीं पा रही है, गवर्नमेंट जो है दे नहीं पा रही है. तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप जो है इसका बजट बढ़ाकर 2% करें ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिले.